दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री स्नातक पास 50,000 प्रोत्साहन राशि के बारे में। जितने भी छात्राओं ने प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, सभी छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। पर पोर्टल में जो है स्टेटस चेक करने का लिंक को जारी कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से ये बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि यहां पर जो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो वेरिफिकेशन कहां तक हुआ है और कब तक छात्रवृत्ति का पैसा जो यहां पर प्राप्त हो जाएगा, और हम जो है घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या फिर हम कंप्यूटर से जो है कैसे अपना जो है खुद का स्टेटस अपने चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है कहां तक वेरिफिकेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कब तक छात्रवृत्ति का पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो है लाइव यहां पर जो है चेक करने का तरीका बताने वाले हैं, क्योंकि पोर्टल में जो है लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं आपका स्टेटसफिकेशन कहां तक हुआ है और कब तक छात्रवृत्ति का पैसा आ जाएगा। तो चलिए हम आपको जो है पूरी प्रक्रिया के लिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आप इस लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री स्नातक कन्या उत्थान योजना का जो है मुख्य पोर्टल पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। सिंपली आप क्या करेंगे, इस पहले जो है सेक्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन ऑनलाइन जो करेंगे उसके लिए बताया गया है, और जो स्टूडेंट अपना खुद का स्टेटस चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का देखने को आपको मेन्यू बार मिल जाता है। यहाँ पर आपको आना है स्टूडेंट वाले सेक्शन में। उसके नीचे आप रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट देखेंगे, लॉगिन फॉर यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे, डाउनलोड यहाँ पर फॉर्म देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस। सिंपली आपको क्या करना है, इसी वाले ऑप्शन पर यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट जो है यहाँ पर ओपन हो जाता है। देखिए कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर आपने जो मोबाइल नंबर दिए उससे चेक कर पाएंगे, आधार नंबर दिए हैं उससे चेक कर पाएंगे, बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं उससे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है इन चारों में से कोई भी चीज यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद गेट स्टेटस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को इस प्रकार से मिल जाता है स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, उसके बाद आपको PFMS से वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ वो भी देखने को मिल जाएगा। डोमिसाइल स्टेटस में क्या है वो भी देखने को मिल जाएगा। बेनिफिशियरी यहाँ पर जो है मैचिंग वो भी देखने को मिल जाएगा, सब वेरीफाइड है। और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो है ये आपका भी इस स्टूडेंट का पेंडिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। तब यहाँ पर पेमेंट स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा, आपका पेमेंट का स्टेटस कहाँ तक यानी कि हुआ है, पेमेंट का प्रोसेस क्या है। तो इस प्रकार से घर बैठे जो है आपका यहाँ पर जो है चेक कर पाएंगे। और जब इसका भी पेमेंट पेंडिंग, अंडर प्रोसेस या फिर रेडी फॉर पेमेंट दिखाएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका किसी भी दिन पेमेंट यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। ये तो था आपका जो है स्टेटस चेक करने का तरीका, घर बैठे आप इस प्रकार से चेक कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको समय पर जानकारी मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही।